वालेकुम क्लास टुडेज़ टॉपिक फैक्टराइजेशन और यहाँ पे फैक्टराइजेशन के जो नोट्स हैं ये पेज नंबर नाइनटीन से स्टार्ट हैं इसके भी मैंने क्लास लेक्चर नोट्स प्रिपेयर किए हुए हैं बट इन जनरल हम देख लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास किस तरह से है फैक्ट्राइजेशन का स्टार्ट हमारे पास फैक्ट्राइजेशन फोर मेथड से की जा सकती है क्वेश्चन पर डिपेंड करता है फैक्ट्राइजेशन बाय टेकिंग कॉमन बाय यूजिंग फार्मूला बाय ग्रुपिंग एंड द लास्ट वन इज बाय यूजिंग मिड टर्म ब्रेकिंग मेथड सो इन फोर को इनमें से कौन सा मेथड कब यूज़ होना है ये हम लभी डिटेल में पढ़ते हैं बट एट द एंड आपके पास ये फैक्टर कंप्लीटली इस तरह से एक्सरसाइज है जिसके क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं क्वेश्चन नंबर वन और ये फोर्टीन पे एंड होते हैं उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो जाता है लीनियर इक्वेशंस सो इस ये वाले नोट्स भी आ, इसकी टैब के अंदर मूडल के ऊपर अपलोडेड हैं और इसके अलावा जो क्लास लेक्चर नोट्स हैं हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं जो मैंने ईजी करने की कोशिश की है सो फैक्ट्राइजेशन द फर्स्ट मैथड इज़ फैक्ट्राइजेशन बाई टेकिंग कॉमन सबसे ईजी मैथड और जो कि सबसे फर्स्ट माइंड में आता है वो ये होता है कि आपने कॉमन देखना कॉमन का मतलब एक ऐसी चीज़ वर्ड से ही पता चलता है कि कोई चीज़ दोनों में हो कॉमन हो एक जैसी हो सो so, आपके पास फैक्टराइजेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि नंबर ऑफ टर्म्स को जब हमने इंटीजर एक्सपोनेंट्स और फिर जब ब्राइक एक्सप्रेशन के अंदर पढ़ा था कि नंबर ऑफ टर्म्स का पता लगाना तो हमने सबसे पहले देखना कि गिवन हमारे पास जो भी एक्सप्रेशन दी हुई है उसमें टोटल नंबर ऑफ़ टर्म्स कितनी है सो दिस एक्सप्रेशन हैज़ टोटल two terms टर्म नंबर वन टर्म नंबर टू बिकॉज प्लस और माइनस का जो डिथमेटिक ऑपरेशन है डैट डिफ्रेंशिएट और सेपरेट द नंबर ऑफ टर्म्स तो टू टर्म्स हैं फिर हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स का पता लगाने के बाद ज़रूरी ये है कि एक ऐसी चीज़ जो दोनों में कॉमन आती है अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा अगर हम इस एक टर्म की बात करें इसमें एक नंबर भी पड़ा हुआ है इसमें एक वेरिएबल भी है वेरिएबल इस एक्स और एक फिर अनदर वेरिएबल भी है वाई अब जो वेरिएबल एक्स है यहाँ पर उसकी पावर भी है फाइव ये वाई की पावर नहीं है हमेशा एक्स और उसके ऊपर पावर पड़ा हुआ है यहाँ y की अगर पावर नहीं नजर आ रही इट मींस इसकी पावर वन है सिमिलरली टर्म नंबर टू में फिफ्टीन है और यहाँ पर वे भी वेरिएबल एक्स है जरूरी नहीं है कि दोनों वेरिएबल सेम हो अभी तो फर्स्ट क्वेश्चन था स्टार्ट किया था तो ईजी है जरूरी नहीं होता कि सेम वेरिएबल हो तो यहाँ पे आपके पास जो कि सेकेंड टर्म है उसमें भी वेरिएबल एक्स है लेकिन यहाँ पर इसकी पावर टू है और वेरिएबल वाई है यहाँ पर इसकी पावर वन है ये भी ज़रूरी नहीं है कि सेम सेम पावर्स हों अब करना क्या है बाई टेकिंग कॉमन में कभी भी क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं करेगा आपको एग्जामिनर या इंस्ट्रक्टर कि आपने इसको फैक्टराइजेशन करनी है बाय यूजिंग द टेकिंग कॉमन मेथड और बाय यूजिंग ग्रुपिंग मेथड कभी भी मेथड का नेम नहीं गिवन होगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको क्वेश्चन दे के थोड़ा सा समझ आनी चाहिए कि हम इसमें थोड़ी और ये प्रैक्टिस से आएगा कि क्वेश्चन दे के आपको समझ आए कि आपने इसमें कौन सा मैथड यूज़ करना है तो सबसे इजी वन होता है कि आप पहले ये चेक करो कि आपको कुछ चीज़ कॉमन नजर आ रही है किस तरह से वैसे तो ये चीज़ इतनी मतलब एक्सपैंड करने की जरूरत नहीं थी लेकिन जिनको नहीं समझ आता उनके लिए मैं एक्सपैंड कर रही हूँ सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये चीज़ होती है आपने नंबर्स पर फोकस करना है दोनों नंबर्स के ऊपर जितनी भी टर्म्स हैं इसमें मतलब तो टू के टू टर्म्स हैं अगर थ्री टर्म्स होती हैं या फ़ोर टर्म्स होती हैं तो आपने इन नंबर्स पे ऊपर ये एक्स वाई वेरिएबल्स पे फ़ोकस नहीं करा है नंबर से फ़ोकस करना है और ये देखना है कि ऐसी कोई चीज़ है ऐसा कोई टेबल है जिसमें ये दोनों टर्म्स अभी तो दो हैं अगर तीसरी भी होती है वो तीनों के तीनों नंबर एक ही टेबल में आते हैं तो अगर हम टू के टेबल में सोचें टू के टेबल में सिक्स ज़रूर आता है लेकिन टू के टेबल में फिफ्टीन नहीं आता अगर हम थ्री के टेबल एक हम अपवर्ड जाते हैं फिर नंबर पर थ्री के टेबल में सिक्स आता है थ्री के टेबल में फिफ्टीन भी आता है तो इट मीन्स थ्री का टेबल इन दोनों नंबर्स को मतलब अपने अंदर लेता है हमने इस नंबर को ब्रेक करके लिखा ये थ्री निकालने के लिए क्योंकि थ्री मल्टीप्लाई बाई टू इज़ इस सिक्स इसी तरह यहाँ पे भी हम देख लेते हैं थ्री मल्टीप्लाई बाई फाइफ इज़ फिफ्टीन नेक्स्ट थिंग इज़ ये वेरिएबल की पावर फाइव है इट मीन्स एक्स पावर फाइव इज़ एक्स एक्स से ही मल्टीप्लाई हो रहा है लेकिन फाइव टाइम्स कुछ केसेस में यहाँ पे क्रॉस का भी साइन डालते हैं इट मीन्स मल्टीप्लाई लेकिन ज़्यादा क्रॉस डालने से आप ख़ुद भी कंफ्यूज हो सकते हैं तो डॉट भी यूज़ कर सकते डॉट इज़ अगेन मल्टीप्लीकेशन इन मैथेमेटिक्स डॉट यूज़ कर लें मल्टीप्लाई यूज़ कर लें तो जब हम वेरिएबल्स के मिड में शो करना चाह रहे हैं एक वेरिएबल फिर दूसरा वेरिएबल तो हम अक्सर डॉट यूज़ कर लेते हैं लेकिन हमें पता होना चाहिए डॉट मीन्स नॉट डेसिमल पॉइंट इट इज़ अ ऑपरेशन विच मीन्स दट यू हैव टू डू द मल्टीप्लीकेीशन सो so, x रेज विद पावर फाइव मीन्स x ने फाइव टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है तो मल्टीप्लाई हुआ है x फाइव टाइम वन टू थ्री फोर और ये मैंने फाइव लिख लिया है देन y आपके पास एक ही है क्योंकि इसकी पावर वन है तो y हमने एक दफ़ा लिख दिया प्लस ये 15 तो हमने ब्रेक करके लिख लिया तो थ्री के टेबल में अब इधर x की पावर टू है इट मीन्स x x से ही टू टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है लिख लिया और फिर y विद पावर वन है तो हमने y लिख दिया अब इतना लिखने के बाद ये क्यों इस तरह किया है हमने टर्म नंबर वन को इस पोर्शन से ब्रेक किया है टर्म नंबर टू को इस तरह से ब्रेक किया है हम हमारे जो क्वेश्चन में हमारा मेथड का नेम था टेकिंग कॉमन उसमें हमने कॉमन निकालना है ऐसी चीज़ें जो दोनों में आ रही हैं दोनों टर्म्स में आ रही है पूरी टर्म नंबर वन है जो हमने थोड़ी सी एक्सपैंड करके लिखी है ताकि हमें कॉमन नज़र आए और इसी तरह से टर्म नंबर टू है जो कि हमने एक्सपैंड करके लिखी है अगर देखें तो इन दोनों टर्म्स में थ्री कॉमन आ रहा है थ्री तो बाहर लिख लिया फिर वेरिएबल्स पर आना है यहाँ पे वेरिएबल्स में अगर देखें तो यहाँ पे फाइव टाइम्स एक्स और इधर टू टाइम्स एक्स है ये तो टू टाइम्स एक्स और यहाँ पे भी तो टू टाइम्स एक्स आ सकता है ना क्योंकि इधर अगर टू टाइम्स जहाँ से यहाँ से भी टू एक्स कॉमन लेते हैं तो यहाँ से भी टू एक्स ले थ्री एक्स कॉमन ही ले सकते हैं अगर थ्री एक्स कॉमन लोगे यहाँ पर थर्ड एक्स नहीं है तो देखना है जो चीज़ दोनों में है एग्जिस्ट कर रही है तो एक, -एक यहाँ से लिया एक एक यहाँ से लिया तो ये कॉमन बाहर आ जाएगा इसी तरह दूसरा एक्स भी यहाँ से यहाँ से दोनों से पेयरिंग निकाल लिया अब यहाँ पे जब हमने थ्री निकाला है तो थ्री एक दफ़ा लिखना है कॉमन का मतलब ये है कि कॉमन निकाल दे वो एक जैसी चीज़ तो एक दफ़ा लिखना है सिमिलरली वाई यहाँ पर एक ही है यहाँ पर भी एक है तो वो भी वन टाइम आ जाएगा तो ये ब्रैकेट मैंने किस लिए डाली हम नंबर ऑफ टर्म्स को चूँकि फर्स्ट नंबर ऑफ टर्म में से थ्री बार चला गया टू रह गया लिख लिया ये एक्स भी बाहर चला गया था ये एक्स भी बाहर चला गया था कॉमन चला गया था यहाँ पे तो यहाँ पे अब क्या रह गया वन एक्स सॉरी वन एक्स टू एक्स और थ्री एक्स वाई भी बाहर निकल गया हुआ है प्लस साइन वैसे का वैसे ही इसमें से भी थ्री बाहर चला गया था फाइव आ गया है उसमें से फिर एक्स और एक्स दो एक्स थे ये दोनों बाहर निकल गए हुए हैं और वाई भी बाहर चला गया तो ये आपके पास विद इन ब्रैकेट ये रह गया नाउ यू हैव टू डू द मल्टीप्लीकेशन और क्वेश्चन को थोड़ी सिंप्लीफाइड फॉर्म में बनाना है थ्री वैसे ही और एक्स एक्स से मल्टीप्लाई होकर एक्स की और वाई वैसे ही विद इन ब्रैकेट टू एक्स थ्री टाइम्स एक्स की पावर क्यूब प्लस फाइव तो असल में कुछ स्टूडेंट्स जिनको काफ़ी ग्रिप होती है कॉमन लेने में वो ये टू स्टेप्स जो हैं इनको स्किप कर देते हैं वो डरेक्ट देखते हैं माइंड में कि मैंने नजर आ रहा है कि यहाँ से थ्री के टेबल में ये दोनों आते हैं तो थ्री कॉमन लिख देते हैं और इधर आपको नजर आ रहा है एक्स की पावर टू इधर एक्स की पावर फाइव है यहाँ से टू और इसमें भी टू अंदर पड़े हुए थ्री एक्स्ट्रा रह जाएंगे तो टू बाहर लिख लेते हैं और वाई दोनों में आ जाता है इस तरह से लिख देते हैं अब यहाँ पे थ्री टू ज़ा सिक्स टू लिखा और यहाँ पे एक्स थ्री रह गया हुआ था थ्री रहिए क्योंकि हमने टू कॉमन ले लिया था प्लस वैसे का वैसे ही और थ्री फाइव ज़ा फ़िफ्टीन फाइव लिखा और ये एक्स पूरा टू बाहर निकल गया हुआ था ये वाई पूरा बाहर निकल गया हुआ था ये तो कुछ स्टूडेंट्स को जिनको ज़्यादा ग्रिप होती है मुझे नहीं पता कि इसको कितना आता है लेकिन अगर नहीं आता तो मैं बेस्ट प्रेफर करूँगी कि आप इसको इस तरह ब्रेक करके कर लें एक और एग्जाम्पल देखते हैं ये आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर इलेवन है जिसमें इसमें लिखा हुआ है फैक्टराइज करना है फिफ्टी ए की पावर थ्री माइनस एट ए बी स्केयर इसमें भी टोटल नंबर ऑफ़ टर्म्स टू हैं किस तरह से हमें पता चल रहा है क्योंकि दोनों टर्म्स को जो सेपरेट करता है वो है हमारे पास रिथमेटिक ऑपरेशन प्लस या माइनस का और यहाँ पर माइनस है अगेन हमने पहले नंबर्स पे फोकस करना है कोई ऐसा टेबल है जिसमें दोनों नंबर्स आते हों तो हमें पता चलता है ईजीली कि टू के टेबल में एट भी आता है टू के टेबल में फिफ्टी भी आता है तो हमने पहले ब्रेक करके लिखा है टू मल्टीप्लाई बाई ट्वेंटी फाइव एज फिफ्टी ए की पावर थ्री मीन्स ए थ्री टाइम्स आएगा माइनस वैसे का वैसे ही और इसी तरह टू फोर जट होता है डॉट ए वन टाइम भी था बी स्केर मीन्स बी टू टाइम था अब अपने कॉमन लेना है दोनों में टू आ रहा है बाहर लिख दिया दोनों में एक ए यहाँ पे एक यहाँ पे दो ए नहीं लिख सकते टू ए नहीं आ बाहर कॉमन ले सकते क्योंकि यहाँ पे वन ए है यहाँ पे जितने मर्जी ले लें यहाँ पे थ्री ले सकते लेकिन यहाँ पे भी जरूरी है एग्जिस्ट होने दोनों में सेम हो तो वन ए यहाँ पर भी वन ए वन लिख दिया अब बी यहाँ पर टू टाइम्स है लेकिन बी इधर है ही नहीं तो कॉमन नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पर भी बी का एग्जिस्ट करना यहाँ पर बी का एग्जिस्ट करना जरूरी है तो यहाँ पे टू ए कॉमन ले लिया अब लिखते हैं कि इसमें से कॉमन लेने के बाद इस टर्म में से क्या बाकी रह गया टू बाहर निकल गया था यहाँ पे ट्वेंटी फाइव रह गया ए के वैसे ही बाहर निकल गया बाकी रिमेनिंग टू रह गई लिखती है माइनस वैसे के वैसे ये टू भी बाहर चला गया था फोर यहाँ पर रह गया और यहाँ पर वन ए था ये तो वैसे ही बाहर निकल गया था और यहाँ पर बी टू टाइम्स रह गया अब हमने मल्टीप्लाई करना है टू मल्टीप्लाई बाय एज टू ए देन यहाँ पर ट्वेंटी फाइव ने यहाँ पे ए मल्टीप्लाई बाय एज़ ए इस माइनस फोर और यहाँ पर आ गया बी इसके और ये इसकी सिंपल हमने कॉमन ले लिया नेक्स्ट इज एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर थर्टीन फैक्टराइज करना है टू ए स्केयर बी क्यू माइनस ए स्केयर बी स्केयर अगेन कॉमन नंबर ऑफ़ टर्म्स टू हैं हमने यहाँ पे टू लिखा ए टू टाइम्स था अब यहाँ पे असल में मैंने अगर देखा जाए पीछे तो मैंने आपको बोला था कि नंबर्स को देखना है अब यहाँ पर नंबर्स को क्यों नहीं देखा टू और यहाँ पर क्या आएगा कोई नंबर की बात करें तो यहाँ पर वन है वन नंबर है अगर नहीं नंबर लिखा नजर आ रहा तो वन है अब टू या वन कोई तो एक टेबल ऐसा नहीं है जिसमें टू भी आता और वन भी आता हो मतलब हमें ये पता है कोई भी एक टेबल ऐसा नहीं है जिसमें टू भी आता हो वन भी आता हो तो हम इसका मतलब नंबर से फोकस करने की ज़रूरत नहीं है फिर टू लिखेंगे अब यहाँ पे ए स्केयर है इट मीन्स कि ए टू टाइम्स है बी क्यूब है इट मीन्स बी थ्री टाइम्स है माइनस फिर ए स्केयर है इट मीन्स ए टू टाइम्स है बी स्कीय बी टू टाइम्स है कॉमन लेना है नंबर से कॉमन आ नहीं सकते तो फिर हम देखते हैं ज़रा जो हमारे पास अल्फ़ाबेट्स हैं यहाँ पे ए टू टाइम्स है इधर भी ए टू टाइम्स है तो हमने टू टाइम्स कॉमन ले लिया अब बी इधर थ्री टाइम्स है बी इधर टू टाइम्स है तो हम टू टाइम्स लेंगे क्योंकि टू टाइम्स इधर पूरा कर देगा टू टाइम्स निकल गया अब हमने कॉमन ले लिया जब तो हम ब्रैकेट डालेंगे और लिखेंगे कि इसमें से कॉमन लेने के बाद बाकी क्या गया टू आएगा अंदर क्योंकि टू तो बाहर कॉमन है दोनों ए बाहर चले गए थे ए से बिल्कुल नहीं आएंगे टू बीज भी बाहर चले गए थे अब वन बी गया माइनस वैसे का वैसे ही यहाँ पर दोनों ए भी बाहर चले गए हैं दोनों बी भी, भी बाहर चले गए तब ये नहीं कि माइनस यहाँ पर जीरो रहेगी यहाँ पर वन रहता है ठीक है यहाँ पर इसके साथ पड़ा हुआ है कॉन्सटेंट यहाँ पर वन तो वन लिखेंगे यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करेंगे अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं ये ए मल्टीप्लाई इज एस के और बी मल्टीप्लाई बीज बी स्के है देन दिस आफ्टर मल्टीप्लीकेशन टू मल्टीप्लाई बीज टू बी माइनस वन ये था हमारा फैक्ट्राइजेशन बाय टेकिंग कॉमन मेथड